अगर आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ये कुछ फॉर्मुलेस पता है तो आपका कल का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू पार्टी बाय 100, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। इसको हम शॉर्टकटली क्या याद कर सकते हैं, पार्टी बाय 100। पी से होता है प्रिंसिपल, आर से होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी से होता है टाइम। आपको इसमें यह याद रखना है कि टी जो है वो हमेशा ईयर्स में रहेगा, टी जो है हमेशा हमारा ईयर्स में रहेगा, प्रिंसिपल रुपीज में रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है परसेंटेज में रहने वाला है, ठीक है। फिर सेकंड इसमें फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट में ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपने वो जमा किया है, ठीक है। फिर आपको कुछ साल बाद जो है सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो प्रिंसिपल प्लस एस आई आप ऐड करते हो तो आपको अमाउंट के रूप में वो वापस मिलता है, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस पी आर टी बाय 100, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है। तो आपको ये जो है दो फॉर्मूले अगर आपको याद है सिंपल इंटरेस्ट के, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सेकंड हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में क्या आता है, एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, ठीक है। तो एनुअली वाले फॉर्मूले देखते हैं, एनुअली मतलब पर ईयर वाले फॉर्मूले, ठीक है। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन। अब यहाँ पे A मतलब क्या है, अगेन अमाउंट है, P जो है प्रिंसिपल है, ठीक है, R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है और N जो है ईयर्स है। अब यहाँ पे भी ध्यान देना है कि ईयर जो है वो जो N है टाइम वो जो ईयर में रहने वाला है, ठीक है। अब हम एनुअली के बाद हम देखते हैं सेमी हाफ ईयरली वाला, तो सेकंड वाला है हमारा हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली हमें क्या करना है, रेट जो है आर को आर बाय टू करना है और एन जो है उसको ट्वाइस एन करना है। ट्वाइस एन क्यों, अगर मैं ईयर को हाफ ईयरली डिवाइड करता हूं तो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, इसलिए वो एन का जो है टू एन हो जाएगा। तो हाफ ईयरली में आर जो है वो आर बाय टू होने वाला है और एन जो है वो टू एन होने वाला है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर जो हमने किया है वो आर बाय टू से रिप्लेस करना है, तो आर जो है आर बाय टू से रिप्लेस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, एन जो है टू एन से रिप्लेस हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू फाइनल फॉर्मूला बनेगा P 1 प्लस आर बाय 200 टू द पावर 2n, ठीक है। तो आपको यहाँ पे R की वैल्यू पुटअप कर देनी है, N की वैल्यू पुटअप कर देनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वार्टरली का देखते हैं। अब क्वार्टरली के केस में क्या होता है, क्वार्टरली मतलब चार पार्ट होगा, जैसे हाफ ईयरली मतलब दो पार्ट होता है, क्वार्टरली मतलब चार पार्ट होता है। तो इसमें R जो है R बाय 4 हो जाएगा, तो जो हमारा R था उसको हमें डिवाइडेड बाय 4 करना है और जो N है वो जो है 4n के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अमाउंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अमाउंट रहेगा P 1 प्लस आर बाय 4। देखो मैंने आर जो था उसको आर बाय 4 लिखा है, तो 1 प्लस आर बाय 4 बाय 100 बाय 100 टू द पावर 4n। तो अमाउंट का फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा P 1 प्लस आर बाय 400 टू द पावर 4n, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, इसमें से मैं कुछ लॉजिक बता देता हूं जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने चाहिए। पहला मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरा n अगर मुझे ईयर में कन्वर्ट करना है और अगर मुझे कुछ x मंथ दे रखा है, तो अगर मुझे मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो मैं डिवाइडेड बाय 12 करूंगा। जैसे मैं डिवाइडेड बाय 12 करता हूं तो जो मंथ है वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 मंथ्स दे रखा है, इसको मुझे ईयर में कन्वर्ट करना है। ईयर में कन्वर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पे भी टाइम ईयर में होता है और यहां पे एन जो है ईयर में होता है, ठीक है। तो 2 मंथ्स दिया है तो 2 डिवाइडेड बाय 12 करता हूं तो ये हो जाएगा ईयर्स में कन्वर्ट, ठीक है। तो 1/6 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें से दूसरा नोट अगर मैं बताऊं तो एनुअल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें और दूसरा फॉर्मूला जो तीनों में कॉमन है वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू होता है पी प्लस सी आई, ठीक है। इसमें क्या था सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, ठीक है, और इसमें क्या था अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस सी आई। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि डेज को ईयर में कैसे कन्वर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक्स डेज दे रखा है, तो एक्स डेज को अगर मुझे ईयर में कन्वर्ट करना है तो इसके दो तरीके हैं। एक तो है एक्स बाय 365 और दूसरा है एक्स बाय 366। अब यहां कब यूज करना है, अब यहां पे जो है लीप ईयर वाला कंसेप्ट आता है, लीप ईयर, ठीक है। अगर मेरे पास लीप ईयर है, अगर मुझे उसको चेक करना है वो लीप ईयर है कि नहीं, तो उसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2024 इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 4 5 20 हो जाएगा, 0 4 6 24। तो अगर 4 डिविजिबल तो 2024 जो डिविजिबल बाय 4 है, इसका मतलब क्या है, 2024 इज अ लीप ईयर। लीप ईयर है मतलब यहाँ पे 366 डेज आएगा। अगर लीप ईयर नहीं है तो 365 डेज से आपको डिविजन करना है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 2 डेज है तो 2/365 करेंगे तो इसका आंसर ईयर में आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी 366 से डिवाइड करेंगे तो ईयर में आ जाएगा। बट आपको इसमें जो है ईयर चेक करना पड़ेगा कि लीप ईयर है कि नहीं है। अगर लीप ईयर है तो डिवाइडेड बाय 366 करेंगे, अगर लीप ईयर नहीं है तो उसको डिवाइडेड बाय 365 करेंगे, ठीक है। एक हमारे पास स्पेशल केस आता है जिसमें फर्स्ट ईयर में R1 रेट है, सेकंड ईयर में R2 रेट है, थर्ड ईयर में R3 रेट है। मतलब पर ईयर में रेट जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में R1 है, सेकंड ईयर में R2 है, थर्ड ईयर में R3 है। तो इसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला आ जाएगा A इज इक्वल टू पी 1 प्लस R1 बाय 100, 1 प्लस R2 बाय 100, 1 प्लस R3 बाय 100।
ठीक है, और इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन वाला साइन है, ठीक है। अगर ये चार साल के लिए दिया हो, पांच साल के लिए दिया हो तो आपको मल्टीप्लाई करके बस लिखता जाना है, ठीक है, अमाउंट का जो आंसर है वो डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो आज के वीडियो से आपको बहुत शॉर्ट में जो है आपका रिविजन हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।